आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है, 2 घंटे लगाकर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खाएंगे, और पति देव आया टीटी बनके, खाना धर दिया, पर दिनों बैठा रहेगा वह कई खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का हो, अपना शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिड़ जाता, थोड़ी फेंक देर, पत्नी ने भी कूट देर, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं के नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहां बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने, सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगे। सुबह उठकर फिर कहां जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाठ साहब ने कौन जान देगा रसोई में, कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया, आध घंटे तक रोवे बाहर गली में खड़ा हुआ ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे, हो सकता है उसके बाग में वहां लठ मिला या टूक मिला, यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहां जाएगा, गांव से बाहर जाता है, क्या खाता है, वहां टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी नए मौज रहेगी।